1995 मुख्य अतिथि जयंत चौधरी जी जनजिला मुड़ा है आप दिखा सकते हैं जनजिला मुड़ा है नेता जी रैली में मौजूद है हम उनसे बात करेंगे आज कैसा है आज क्या समस्या है किसानों की समाजवादी पार्टी का किसान उठा के ये तो सब नेता सैयद हिमात अली जो दो बार यहाँ चुनाव लड़े हैं ये बता रहे हैं सपा भी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है हम महिला से बात करेंगे ये महिला भी आई है बाल बाल कार्यक्रम में क्या मांग है आपकी हमारी मांग जो है एक तो हमारे किसानों के तीन गोरूल बनाए हैं उसने क्या नाम है आपका मेरा सुनीता ये तीन महिला है जो बता रही थी जो तीन कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं जब तक ये कानून वापस नहीं लेते हम सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे कैमरा मैन अभिलाष चौधरी के साथ सुल्तान अंसारी अवर तेरी दास जहांगीराबाद लोग खुद भी कर रहे हैं लोग भी बुलावा दे रहे हैं लगातार एक सिलसिला जोड़ा है यही सिलसिला जारी रहा होती है जमीन को सपना पड़ता है मोहब्बत आंखों से दिल से होती है सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है कहीं ना कहीं माइक बंद करा दो और योगी जी जब से आए हैं मोदी जी जब से आए बड़े लोग और ताकतवर हुए हैं देश में और प्रदेश में अभी गरीब किसान के लिए छोटा किसान मजदूर के लिए इन दिनों में कुछ नहीं कि कानून प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहेंगे कि अभी यहाँ बुलंदशहर की बच्ची लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है पंगा बिल्कुल सुबोध जो इंस्पेक्टर बुलंदशहर के थे उनका नाम है मंच से मिल दिया उनको याद किया उनकी कुर्बानी को याद किया और देश के लोग नमन करते हैं ऐसे ऑफिसर्स का जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुर्बानियां देते हैं लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके हथियारों का सम्मान बीजेपी पार्टी ने किया उनके बचाव में कांग्रेस पार्टी लगी है और ऐसा लगता है कि सरकार भी एक पुलिस वाले को न्याय दिलाने के बजाय राजनीतिक फायदा बटोरने के लिए जो दंगाई थे या जो दूसरा आज चौधरी साहब मंदिर और मस्जिद में सरकार उलझी हुई है बिजली निकल जा रही है विकास का पैतरे हैं ये पुराने पैतरे पुराने रास्ते हैं पुराने मुद्दे हैं जनता की नजर में भी पुराने मुद्दे हैं 2022 के चुनाव को लेकर क्या पंचायत चुनाव लड़ेगी नहीं सारी पार्टियां लड़ रही हैं देखिए हर जिले की अलग तस्वीर है और ये जिला इकाई तय करेगा किस वार्ड में कहाँ समर्थन क्योंकि सिंबल का चुनाव नहीं और इसमें धारणा वोटर की भी किसी पार्टी के प्रति तो गाँव के चुनाव लेकिन ये जैसे बुलंदशहर में हम बैठे हैं यहाँ बुलंदशहर की जिला यूनिट तय करेगा किस वार्ड में 2022 में क्या किसी को समर्थन मिलेगा देखिए किसानों का मुद्दा मजबूत है लोग चाहते हैं कि इसका कुछ हल निकले लोग चाहते हैं किसानों में जो उनकी मुश्किलें हैं जो चुनौतियाँ हैं वो दूर करे सरकार योगी जी ने वादा किया था किसान का आयोग बनाया जाएगा आयोग बनाया बैठक नहीं ली 14 दिन में पेमेंट की बात कही थी पेमेंट नहीं हुआ यहाँ धान किसानों को खरीदा गया अब तक पेमेंट नहीं आया मंडी व्यवस्था में कोई विस्तार नहीं कोई काम नहीं तो सारी चीज़ें बिजली महंगी हो गई राष्ट्रीय लेवल पर डीजल पेट्रोल खाद सब बिल्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा वे डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा हमारा पता है मोहन कुटी मामन रोड बुलंदशहर दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी स्पेशल चिकन काली मिर्च स्पेशल मटन नहारी स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में ईट एंजॉय
मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर।